सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आज का पंचांग 6 मार्च 2024 दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि, सुबह 4:14 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 2:52 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:38 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। तुला राशि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार, आज के दिन आपके लिए संसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको जीवन साथी की ओर से किसी उपहार की प्राप्ति हो सकती है। किसी परंपरागत कार्य से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा और आप घर के साथ सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। ज्येष्ठ कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा और आप अपने परिजनों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आज के दिन आपकी वित्तीय स्थिति एवं करियर में तरक्की का दिन है, लेकिन इस सब के लालच में अपने परिवार की उपेक्षा न करें। दरअसल आज आप अपने भीतर आध्यात्मिकता का भी अनुभव करेंगे। इन दोनों शक्तियों के बीच उलझा हुआ अनुभव भी करेंगे, लेकिन अनंतः दोनों में संतुलन बना पाने में कामयाब होंगे। कोई नुकसान आपके दुख या संघर्ष का कारण बन सकता है। बच्चों या पालतू जानवरों के साथ बिताए समय में शांति तलाशें। बुजुर्गों को सेहत या कानूनी मामलों में आपके समय और देखभाल की जरूरत हो सकती है। कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बाधाओं को दूर किया जा सकता है। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे। बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर डर का साया पड़ सकता है। इसका सामना करने के लिए आपको उपयुक्त सलाह की जरूरत है। आशा आपके माता पिता में से कोई आपको धन की बचत करने को लेकर लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। शाम के समय कुछ हंसी खुशी भरा माहौल रहेगा। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। कुछ के लिए पार्ट टाइम नौकरी अच्छा विकल्प है। आज नौकरी में कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकती हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती है, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। अपनी समस्याओं को किसी पारिवारिक सदस्य अथवा नजदीकी मित्र से जरूर शेयर करें। आपको उचित समाधान मिलेगा। इस वजह से आपको तनाव से काफी राहत भी मिलेगी। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधित रिश्ता आने से घर में खुशी रहेगा। सकारात्मक समय की शुरुआत हो सकती है। आपको अपने विचारों में बदलाव करने की जरूरत है। आपकी सोच सकारात्मक ही है, लेकिन पुरानी बातों का डर रहने से काम करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को सुलझाना आपके लिए जरूरी है। बड़ी समस्या के बारे में सोच विचार ना करें। स्टॉक मार्केट से संबंधित काम को आगे बढ़ाना आपके लिए आसान होगा। इस बार पुरानी गलतियां ना हो इस बात का ध्यान रखें। रिलेशनशिप की वजह से जीवन में जो उतार चढ़ाव है वह दूर होगा। पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाकर रखें। सावधानियां, किसी भी प्रकार के आवागमन को स्थगित रखें।
क्योंकि इससे समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में ही अपना ध्यान दें तथा छोटी छोटी बातों को लेकर मन में परेशानी न उत्पन्न होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको कई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे आपका संबंध बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से आपका पार्टनर उलझाने वाले और वहम में डालने वाले संकेत दे रहा है, लेकिन आज आप उनके इस व्यवहार का कारण समझ पाएंगी। इससे आपको भविष्य में अपने इस संबंध का रास्ता तय करने संबंधित फैसला लेने में मदद मिलेगी। रोमांस के ड्रीम आपको एक नई दुनिया का एहसास करा रहे हैं और यौन सुख की भावना भी इस समय तीव्र है। जल्द ही आपके अकेलेपन की जगह किसी की मीठी यादें ले लेगी। अपने साथी की जुदाई का डर आप दोनों को और भी करीब ले आएगा। अधिक काम की वजह से आज आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। रिश्ते में अगर कोई समस्या या तनाव चल रहा है तो जितना जल्द हो सके उसे खत्म कर दें, क्योंकि बासी फूल और बेजान रिश्ते कभी भी जिंदगी को गुलजार नहीं कर सकते। बात करती हैं करियर की। अभी करियर में परिवर्तन आपके काम करने के पूरे तरीके को बदल देगा और यह एक सकारात्मक बदलाव होगा। विदेशियों से मिलना या काम करना भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। संयम के साथ आगे बढ़ें और याद रखें, सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, उसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। व्यावसायिक जीवन में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखती हैं और आपके कनेक्शन और नेटवर्किंग को भी बढ़ाते हैं। लोगों से बातचीत करते समय खास ध्यान रखें, अन्यथा किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में नए विचार और तरीके आपको नई पहचान दिलाएंगे। आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवसाय करने वालों के साथ वार्तालाप होगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दें। आपको नए लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीजें धीरे धीरे खुलती है और लोगों को नए वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। कार्यस्थल पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। मीडिया अथवा ऑनलाइन गतिविधियां द्वारा आपको व्यवसाय संबंधित नई नई जानकारियां हासिल होगी। किसी ऑर्डर निरस्त होने पर तनाव लेने की बजाय अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास जरूर करें। विवादों से दूर रहने का प्रयास करें। अधीनस्थों से परेशानी होगी। दोपहर के बाद अनुकूल हो जाएगा। आय में वृद्धि होने के साथ सहयोग भी मिलेगा। उलझनों का निराकरण होगा। संतान सहयोग प्रदान करेंगी। छोटी यात्रा का भी योग है। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपके जीवन शैली में कुछ अपेक्षित बदलाव करने के लिए एकदम उपयुक्त है। आप ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे या ऐसे किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी भोजन संबंधित आदतों में बदलाव करना होगा। आपको स्वास्थ्य कर भोजन के बारे में कुछ बहुत अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज का उपाय, आज आप गणेश स्त्रोत का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।